अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फ्लेक्सान टेबलेट के बारे में। इसका फुल रिव्यू मैं करने वाला हूँ, इसका बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कंपोजिशन सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। सबसे पहले फ्लेक्सान टेबलेट हम जान लेते हैं इसे कौन सी कंपनी बनाती है। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है अरिस्टो फार्मा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका लोगो देख सकते हो। अगर आप इसका लोगो देख के खरीदते हो तो भी ये बेस्ट कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। अरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। बात करें इसके MRP की तो 15 टेबलेट का एक स्ट्रिप रहता है, जिसका MRP है 26 रुपये 30 पैसे, यानी 26 रुपये 30 पैसे में आपको इजिली मिल जाएगा। 15 टेबलेट रहता है, आप इसे इजीली खरीद सकते हो। बात करें इसके कंपोजिशन की, इसका क्या कंपोजिशन है, तो इसका जो कंपोजिशन है वो है आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामॉल। आइबुप्रोफेन जो है वो 400 mg, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड जो वो है पैरासीटामॉल जो है वो 325 mg है। इसमें दो कंटेंट मिक्स होकर बना है। ये काम आता है दर्द में, जैसे कि कौन से दर्द में आता है हमें जान लेते हैं। ये दर्द जैसे कि सूजन, दांत दर्द, मासिक धर्म में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, चोटों का दर्द, सर में दर्द, बुखार, हल्का बुखार में भी ये बहुत बेहतरीन काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। आप इसे इजीली मेडिकल से खरीद सकते हो, किसी भी मेडिकल शॉप से आप इसे ले सकते हो इजीली। तो हम बात करें इसे किन लोगों को खाना चाहिए और इसका डोज क्या है। इसका जो डोज है, एक अडल्ट व्यक्ति एक दिन में 2 से 3 टाइम ले सकता है या 1 से 2 टाइम ले सकता है। खाना खाने के बाद नॉर्मल पानी से लेना रहता है, लेकिन डॉक्टर से सलाह ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा फ्रेंड्स। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसका उपयोग करें। तो हम बात कर लेते हैं कि इसे किन लोगों को नहीं खाना चाहिए और इसे का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो जो महिला प्रेग्नेंट है, फिर जो हम अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर से ले लें, नहीं तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। या फिर इसे खाने के बाद अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप ड्राइविंग करते हो तो ड्राइविंग में थोड़ा दिक्कत है, ज़्यादा नहीं है, उसे कर सकते हैं। और अगर आपको किडनी या लीवर संबंधित दिक्कत है तो इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें, आपको परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। बात करें इसके कॉमन साइड इफेक्ट की, तो इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो है मतली, उल्टी, दस्त। ये साइड इफेक्ट थोड़े से आपको हो सकते हैं, या फिर और हल्का उल्टी भी हो सकता है, मतलब मतली हो सकता है और उल्टी। तो ये इसका कॉमन साइड इफेक्ट जो कि मैंने आपको बता दिया। ऐसा कुछ साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है तो अपने डॉक्टर से तुरंत ही परामर्श करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। मैं तरता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो तो बहुत लेट आ रही है, बनाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने फिर भी बनाने की कोशिश किया, मैं आप लोग को जानकारी दे सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं। और इसे डॉक्टर की सलाह वगैरह ना लेना फ्रेंड्स, नहीं तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। डॉक्टर क्या आपको प्रॉब्लम है उसे देख के देता है, एज क्या है, वेट क्या है, सब कुछ देखने के देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।